Subscribe to my channel. Press the bell icon for watching my new videos. हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वॉर मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। देखिए, आप सभी को पता ही होगा कि वॉर मूवी 2019 की सबसे बड़ी एक्शन मूवी है। जिसने ये मूवी देख लिया है उन्हें पता होगा ये मूवी अच्छी है, ये मूवी एवरेज है, ये मूवी बुरी है, ये मूवी कैसी है। तो अगर आपने ये मूवी देख लिया तो मुझे अभी कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। इस वीडियो में बात करूँगा कलेक्शन के बारे में, उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, वॉर मूवी वैसे तो एक पॉजिटिव रिस्पांस के साथ रिलीज़ हुई थी, लेकिन मूवी को जब फेस्टिवल इसके बहुत सारे आए, हॉलीडेज मूवी को बहुत सारे मिले, उसकी वजह से इस मूवी का कलेक्शन जो है जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही हुआ अपने पहले हफ्ते में। लेकिन अब हॉलीडेज़ के कारण मूवी को एक अच्छा रिस्पांस मिला। और बात करूँ अगर मूवी के रिव्यूज़ की तो मास ऑडियंस से इस मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले थे, क्रिटिक्स से भी मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले थे, जिससे क्या हुआ कि मूवी के जो वर्ड ऑफ माउथ था वो काफ़ी पॉजिटिव था। तो जितने भी ऑडियंस जो इस मूवी को देखने के लिए सोच रही थी कि मूवी देखें ना देखें, तो उन लोगों ने भी ये मूवी जा कर के देखी इसके पॉजिटिव रिस्पांस को देखते हुए। तो काफ़ी ज़्यादा इस मूवी को फ़ायदा मिला है सभी जगहों से, चाहे वो ऑडियंस हो, चाहे हॉलीडे हो, चाहे कॉन्टेंट हो मूवी का, एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी थी। तो चलिए अब मैं आपको कलेक्शन बता दूं। कबीर सिंह के बारे में मैं बात कर रहा था, कबीर सिंह जो मूवी थी उसका भी रिकॉर्ड ये मूवी तोड़ने ही वाली है। और कब तक रिकॉर्ड टूट जाएगा इंडिया में भी और वर्ल्ड वाइड में भी, वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले आपको 10th डे का कलेक्शन बता दूँ। मूवी ने अपने 10th डे में ऑल ओवर इंडिया से कलेक्शन किया है बहुत ज़बरदस्त। हिंदी मार्केट से कलेक्शन आया है 7 करोड़ 10 लाख का, तेलुगू प्लस तमिल मार्केट से कलेक्शन आया है 50 लाख का, टोटल कलेक्शन हो चुका है 7 करोड़ 60 लाख का। ये मैं नेट कलेक्शन की बात कर रहा हूँ। अगर बात करूँ आपसे टोटल कलेक्शन की तो मूवी ने टोटल कलेक्शन कर लिया है 245 करोड़ 45 लाख नेट इंडिया में, और वर्ल्ड वाइड में 357 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन। तो अच्छा कलेक्शन है और एक ब्लॉकबस्टर कलेक्शन है। अब मूवी जो है 300 करोड़ की ओर बढ़ रही है, और वर्ल्ड वाइड की बात करूँ तो 400 करोड़ की ओर बढ़ रही है। उससे पहले बता दूँ कि कबीर सिंह का कितना रिकॉर्ड था। कबीर सिंह का रिकॉर्ड जो था इंडिया में अभी तक का 2019 की, वो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी है। उस मूवी ने कलेक्शन किया था 278 करोड़ यानी 278 करोड़ का नेट कलेक्शन इंडिया से। और जैसा मैंने आपको कहा कि वॉर मूवी ने कलेक्शन कर लिया है 245 करोड़ का इंडिया से सिर्फ। तो आप कह सकते हैं कि ये जो कलेक्शन है ये कलेक्शन कबीर सिंह को बीट करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि 2 से 4 दिन के बाद यानी कि हो सकता है संडे तक ही वॉर मूवी कहीं ना कहीं बीट कर जाए कबीर सिंह मूवी को। थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। चलिए मैं आपको बात बता दूँ ऑक्यूपेंसी के बारे में कि आज के दिन की जो ऑक्यूपेंसी रही है वो काफ़ी अच्छी रही है, 15% मॉर्निंग की और आफ्टरनून की लगभग 30 से 32% की ऑक्यूपेंसी है। तो अभी तक की ऑक्यूपेंसी काफ़ी अच्छी है। मैं आपको रिपोर्ट्स जरूर बनाऊंगा आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी और नाइट की ऑक्यूपेंसी की, लेकिन अभी तक की बात करूँ तो मूवी का कहीं ना कहीं कलेक्शन लग रहा है कि 12 करोड़ के आसपास जा सकता है अगर मूवी इवनिंग में 40% के आसपास की ऑक्यूपेंसी लेती है। तो डेफिनेटली इस मूवी का जो 11th डे का कलेक्शन होगा वो कहीं ना कहीं 12 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन होगा ऑल ओवर इंडिया से। और वहीं अगर बात करूँ टोटल कलेक्शन की तो 257 करोड़ 45 लाख का मूवी नेट कलेक्शन इंडिया में कंप्लीट कर जाएगी, और अगर बात करूँ वर्ल्ड वाइड की तो 373 करोड़ यानी 373 करोड़ का कलेक्शन। तो वॉर मूवी बॉक्स ऑफिस में ज़बरदस्त बनी हुई है। आपको क्या कहना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।